प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला का मिनी सचिवालय सरकार की बेरुखी के चलते सफेद हाथी नजर आ रहा है। प्रदेश में भाजपा की सरकार लगभग 2 वर्षों का कार्यकाल पूरा करने जा रही है, बावजूद इसके एक भी मंत्री लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए मिनी सचिवालय में नहीं बैठ रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि कांगड़ा जिले से 4 मंत्री होते हुए भी कांगड़ा सहित आसपास के जिलों की अनदेखी होने से लोगों में रोष पनप रहा है और लोगों को अपने काम करवाने के लिए शिमला के चक्कर काटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला का मिनी सचिवालय सरकार की बेरुखी के चलते सफेद हाथी नजर आ रहा है। प्रदेश में भाजपा की सरकार लगभग 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने जा रही है, बावजूद इसके एक भी मंत्री लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए मिनी सचिवालय में नहीं बैठ रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि कांगड़ा जिला के 4 मंत्री होने के बावजूद कांगड़ा सहित आसपास के जिलों की अनदेखी होने से लोगों में रोष पनप रहा है और लोगों को अपने काम करवाने के लिए शिमला के चक्कर काटने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हालांकि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हर महीने कोई न कोई मंत्री मिनी सचिवालय धर्मशाला में बैठने की बात कही थी, बावजूद इसके अभी तक किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। धर्मशाला से विधायक एवं प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री किशन कपूर के हाल ही में सांसद बनने के बाद राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जिला कांगड़ा में जहां एक मंत्री पद रिक्त हुआ है, वहीं लोगों की परेशानी भी बढ़ी है, क्योंकि अब धर्मशाला भी पूरी तरह से वीरान हो गया है। सत्ता का द्वार कहे जाने वाले जिला कांगड़ा की अनदेखी को लेकर धर्मशाला से पूर्व विधायक एवं पूर्व शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सुधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में मिनी सचिवालय धर्मशाला में नियमित तौर पर मंत्री बैठा करते थे, जिससे निचले हिमाचल के लोगों की शिकायतों का निवारण मिनी सचिवालय धर्मशाला में ही हो जाता था। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह भी विधानसभा का सत्र होता था और कांग्रेस सरकार ने धर्मशाला को दूसरी राजधानी का दर्जा दिया था, इसकी अधिसूचना भी जारी की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मिनी सचिवालय में मंत्रियों का ना बैठना ये दर्शाता है कि भाजपा जनता की मांगों, मुद्दों और समस्याओं से दूर भाग रही है। सुधीर शर्मा ने कहा कि भाजपा के नेताओं में मंत्रिमंडल के गठन को लेकर जंग छिड़ी है और लोगों के काम के लिए उनके पास समय नहीं है। भाजपा विधायकों और संगठन के बीच खींचातान जारी है। उन्होंने कहा कि ये भाजपा का अंदरूनी मामला है, लेकिन लोगों की समस्याओं को सुनना भी आवश्यक है। देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और एक प्रेसिडेंट था शुरू से कि जब भी प्रदेश में सरकारें बने तो उसके अंदर जो कम से कम कांग्रेस के समय में मंत्री लोग जो थे कांगड़ा के, वो लोग यहाँ बैठा करते थे और न केवल कांगड़ा बल्कि जो ये कांगड़ा, चंबा और हमीरपुर साथ के जो ज़िले हैं वहाँ के लोगों की शिकायतों का निवारण यही मिनी सेक्रेटरेट में हो जाया करता था। और यही वजह है कि यहाँ पर विधानसभा बनी, विधानसभा का सत्र होता है, उसके बाद अधिसूचना हुई कि इसको दूसरी राजधानी का दर्जा दिया गया। इन्हीं सारी बातों को देख करके ही किया गया था। और ये जो मिनी सचिवालय है, ये भी एक तरह से सेक्रेटरेट जो है वो धर्मशाला का है, तो इसमें मंत्रियों का ना बैठना ये दर्शाता है कि ये लोग जनता की जो मांगे हैं और जनता के जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उनसे किस तरह से दूर रहना चाहते हैं और उनके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। ख़ास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों में तो नए मंत्रिमंडल के जो गठन होना है, पुनर्गठन होना है, उसको लेकर के इतनी दौड़ लगी है कि लोगों की बातों के लिए समय इनके पास नहीं है। तो सर, भाजपा में जो जिला कांगड़ा की बात करें, अहम भूमिका रहती है इसकी, भाजपा संगठन और विधायकों में भी एक रण छिड़ा हुआ है, इस मुद्दे पे क्या प्रतिक्रिया है सर? देखिए, मैं समझता हूँ कि उनका आंतरिक मामला है, लेकिन जिस तरह से कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि हो, मैं समझता हूँ उसमें लोगों ने अपना विश्वास जताया होता है, उसे काम करने की आज़ादी पूरी होनी चाहिए, उसकी सुनी जानी चाहिए और उसका मान सम्मान होना चाहिए। अगर आप उसके ऊपर अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई व्यक्ति को बिठा देंगे और उसकी अहमियत को कम करेंगे तो वो जनता के साथ भी एक तरह से धोखा है। वहीं मिनी सचिवालय को लेकर लोगों का कहना है कि यहाँ पर किसी मंत्री का ना बैठना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस करोड़ों के भवन को बंद करके किसी और कार्य के लिए प्रयोग करना चाहिए। यह तो जो सचिवालय है, ये तो एक सफेद हाथी की तरह है, जनता का पैसा बर्बाद हुआ है इसके ऊपर। कांगड़ा के लोगों ने कभी नहीं कहा कि यहाँ राजधानी दी जाए, जबरदस्ती यहाँ पे राजधानी का आडंबर किया। उसके बाद पिछली सरकार में तो कुछ मंत्री आते जाते देखे भी थे मैंने कि कई बार होते थे, परंतु वर्तमान सरकार ने, मुख्यमंत्री ने कहा भी
कि यहाँ पे हर समय कोई ना कोई मंत्री रहेगा, परंतु पिछले 2 साल हो गए सरकार के, यहाँ किसी मंत्री के दर्शन नहीं हुए। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि आज फिर कांगड़ा की जनता को 4-4 मंत्री होते हुए शिमला के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जबकि मूलभूत समस्याओं का समाधान यहीं पे हो सकता है। सचिवालय है तो सचिवालय की तरह कार्य करें, वरना इस सफ़ेद हाथी को बंद करके इसको पर्यटन के काम पे लाया जाए कि जनता का पैसा कम से कम जनता को तो मिल सके वापस। वीरभद्र जी की सरकार थी उस समय, यहाँ पर हर समय जो है वो मंत्री रहते थे और सारी बात होती थी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी है, तब से धर्मशाला के अंदर जो सचिवालय बनाया गया है कि यहाँ पर मंत्री बैठते थे, यहाँ पर कोई भी मंत्री यहाँ पर नहीं बैठता। लोगों को अपने समस्याओं के लिए शिमला जाना पड़ता है और शिमला में बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। हिमाचल में जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये निकम्मी साबित हुई है। एक क्षेत्र के जो वासी है उन लोगों के लिए मतलब बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और ये वैसे ये इस सरकार का सही कदम नहीं है, और ये सरकार सिर्फ नाम मात्र की सरकार रह गई है। लोगों को इसका कोई लाभ अभी तक नहीं मिला है।